हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। फर्स्ट पार्ट के अंदर में हम लोगों ने देखा था कि एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है और ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल हम लोग क्या करते हैं, पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट करवाना। लिखा हुआ था सी इज एडमिटेड एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एडमिशन। मतलब नए पार्टनर्स के एडमिशन के बाद में क्या हो जाएगा, जो पुराने पार्टनर्स का कैपिटल है इट विल बी रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। फिर सम के अंदर में हम लोगों को लिखा हुआ था फॉर सरप्लस और डेफिशिएंसी द करंट अकाउंट आर टू बी ओपन। अभी सम की लैंग्वेज को हम लोग चेंज कर देते हैं। यहां लिखा हुआ था सरप्लस और डेफिशिएंसी आर टू बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट। तो हम लोगों ने यहाँ पे करंट अकाउंट दिखाया था, क्या दिखाया था हम लोगों ने यहाँ पे बाई बीज करंट अकाउंट और टू एज करंट अकाउंट दिखाया था। अभी सपोज कर लेते हैं सम के अंदर में लिखा हुआ है कि एनी सरप्लस और डेफिशिएंसी विल बी मेड गुड बाई विड्रॉइंग और ब्रिंगिंग इन कैश बाई द कंसर्न पार्टनर एज द केस में बी। मतलब जो भी सरप्लस या डेफिशिएंसी आएगा उसका एडजस्टमेंट अब हम लोगों को करंट अकाउंट के थ्रू नहीं करना है, अब हम लोगों को वो सरप्लस और डेफिशिएंसी जो है वो बैंक अकाउंट के थ्रू दिखाना पड़ेगा। जिस पार्टनर का कैपिटल कम आ रहा है वो पार्टनर क्या करेगा, और कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, और जिस पार्टनर का कैपिटल ज्यादा आ रहा है वो पार्टनर क्या करेगा, अपना कैपिटल विड्रॉ करेगा। तब उस सिचुएशन के अंदर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों ने जो 20 करंट अकाउंट दिखाया था अब वो 20 करंट अकाउंट नहीं दिखाएंगे 28634 से, इंस्टेड ऑफ 20 करंट अकाउंट बाई बैंक अकाउंट दिखाएंगे। बिकॉज क्या हो जा रहा था, हिज कैपिटल वॉज कमिंग लेस, उसका कैपिटल कम आ रहा था 1,04,700 पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उसको जो कैपिटल है वो 1,33,334 लेकर के आना था। तो ये जो डेफिशिएंसी आ रहा है उसके कैपिटल के अंदर में ही विल मेक इट गुड बाई ब्रिंगिंग इन मोर कैश। तो लिखेंगे क्या, बाई बैंक अकाउंट। तब ये 20 करेंट अकाउंट नहीं लिखना है, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और हम लोगों को बाई बैंक दिखाना है 28,634 से। सिमिलरली यहाँ पे भी ए का कैपिटल जो था वो ज्यादा आ रहा था, कितना बैलेंस आ रहा था 4,64,100 बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उसको कैपिटल कितना रखना था 2 लाख। दैट मीन 2,64,100 का क्या हो जा रहा था, एक्स्ट्रा कैश था, एक्स्ट्रा कैपिटल था, उस एक्स्ट्रा कैपिटल को ए क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा बाय शोइंग टू बैंक अकाउंट 2,64,100। तब ये टू एज करंट अकाउंट 2,64,100 नहीं होगा, हम लोग टू बैंक अकाउंट दिखाएंगे। अब बैलेंस शीट पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जो न्यू हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाई है उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा। पहले हम लोगों ने क्या किया था, यहां 20 करंट अकाउंट दिखाया था 28,634 से, अब ये 28,634 से नहीं दिखाने की जरूरत है हम लोगों को, ये नहीं शो होगा यहाँ पे। अब क्या करना पड़ेगा, ये 28,634 जो है वो कैश में या बैंक में ऐड हो जाएगा 28,634। सिमिलरली हम लोगों ने पहले क्या किया था, एज करंट अकाउंट दिखाया था, अब वो एज करंट अकाउंट भी लाइबिलिटी साइड में दिखाने की जरूरत नहीं है, ए क्या करेगा उस अमाउंट को विड्रॉ किया है, जो विड्रॉ किया है वो अमाउंट क्या हो जाएगा, कैश या बैंक में से माइनस हो जाएगा 2,64,100। Now your new cash balance comes out to be 1,04,534. Previously it was 3,40,000, but अभी क्या हो गया 1,04,534। और नया जो बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है 6,13,334। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब प्रॉब्लम वन में थोड़ा और चेंजेस हम लोग लेकर के आते हैं। सपोज करते हैं सम के अंदर में लिखा हुआ था कि सी ब्रॉट इन ₹2 lakh फॉर हिज कैपिटल एंड ₹50,000 फॉर हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। अभी हम लोग इस सम की लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं। सपोज लिखा हुआ है सी ब्रॉट इन ₹2 lakh फॉर हिज कैपिटल एंड ₹50,000 इज हिज शेयर ऑफ गुडविल, ये नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इज हिज शेयर ऑफ, ये प्रीमियम फॉर भी नहीं दिया हुआ है, गुडविल। अब इस सिचुएशन के अंदर में क्या करना पड़ेगा, और आगे लिखा हुआ है आपको सी इज अनेबल टू ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल, सी जो है वो अपना गुडविल का शेयर
नहीं लेके आ पाता है कैश में। जब वो लेकर के आया था तो हम लोगों ने क्या किया था, एक अलग से एंट्री पास किया था यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश लेकर के आने का गुडविल के लिए। पर अभी क्या है, ये वाली एंट्री पास नहीं करनी पड़ेगी आप लोगों को। वो जो सिर्फ कैपिटल लेकर के आया है, दैट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सिर्फ वो एंट्री हम लोगों को पास करने की जरूरत है। यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया था बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज से, बाई बैंक दिखाया था हम लोगों ने सी में, सिर्फ वो दिखाएंगे हम लोग। और अब ये जो इसका शेयर ऑफ गुडविल है ना, वो क्या करना पड़ेगा, सी के करंट अकाउंट के थ्रू हम लोग दिखाएंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, बाई सीज करंट अकाउंट 50,000। अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया होता तो हम लोग लिखते बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, पर यहां पे वो गुडविल का शेयर नहीं लेकर के आया है, तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बाई सीज करंट अकाउंट दिखाना पड़ेगा। अब कंफ्यूजन अराइज होता है स्टूडेंट्स के बीच में कि हम लोग सर यहाँ पे बाई सीज करंट अकाउंट दिखा रहे हैं, मतलब जर्नल एंट्री क्या हुआ, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, बिकॉज ही इज द ओनली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सिर्फ वही सैक्रिफाइस कर रहा है, बी जो है वो कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा था। हम लोगों ने देखा था ये रेशियो, जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो उसके अंदर में हम लोगों ने देखा था दैट ए इज ओनली सैक्रिफाइसिंग एंड बी इज सैक्रिफाइसिंग नथिंग, इसलिए बी का कैपिटल अकाउंट को नहीं क्रेडिट किया गया। लेकिन यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सी के तो करंट अकाउंट को डेबिट करवा रहे हैं, ए के कैपिटल को हम लोग क्रेडिट करवा रहे हैं। रीजन क्या है, यहां पे हम लोग सी कैपिटल अकाउंट नहीं दिखाएंगे, सी कैपिटल अकाउंट इसलिए नहीं दिखाएंगे बिकॉज इस सम के अंदर में लिखा हुआ है कि जो नया पार्टनर है उसके कैपिटल के बेसिस पे क्या होगा, पुराने पार्टनर का कैपिटल को रीएडजस्ट करवाना है। अब अगर हम लोग यहां सी कैपिटल अकाउंट दिखा दें तो क्या हो जाएगा, सी का कैपिटल का फिगर 2 लाख से चेंज होकर के 1,50,000 हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे सीज करंट अकाउंट हमेशा दिखाते हैं। तो जब भी कैपिटल के बेसिस पे एडजस्टमेंट होता है तो सिचुएशन के अंदर में अगर पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेकर के आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, करंट अकाउंट को डेबिट करवाते हैं, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। यहां बी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, अगर सैक्रिफाइस करता तो उसमें भी कुछ शेयर जाता। अब क्या हो जाएगा, जो हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे वहां पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सी का जो करंट अकाउंट है वो हम लोगों को शो करना पड़ेगा बैलेंस शीट में एसेट साइड में। यहां पे हम लोग दिखाएंगे सी करंट अकाउंट कितना था, 50,000 था, वो 50,000 हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। अभी ये जो नया बैलेंस है वो और इंक्रीज हो जाएगा आपका 50,000 से, यहाँ पे चेंज हो करके फिगर चेंज होगा। यहाँ पे ये जो 50,000 था वो क्या है, नहीं आएगा, मतलब आपका कैश का बैलेंस तो जो है वो 50,000 से कम करवाना है और यहाँ पे 30 करंट अकाउंट हम लोगों को दिखाना है 50,000 से। अल्टीमेटली आप लोगों का 6,13,334 ही आएगा जो पहले आ रहा था। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे के वीडियोस में, आगे के पार्ट में जो है वो हम लोग आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ अ